अपने पूरे परिवार को वोट नहीं देने देंगे, अपने गांव समाज को वोट नहीं देने देंगे। किसको? बीजेपी को। ये भरोसा क्या वादे करके मुकर जाते हैं, है ना। हमारे यूपी में भी हमारे बाबा जी ने भी वादा किया था, पूरे भारतवर्ष की महिलाएं भारत बंद करेगी, सड़क पर आएगी और बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। हमारे मोदी जी नहीं किए, हम लोग पूरे भारत की बहना का मांग पूरा, तो अगला 24 में हमारी बहना ही बनेगा, वरना आज से ही आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी और नतीजा आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिल जाएगा। जब मोदी जी को इतना ही पता नहीं है कि 4,500 से आज की डेट में किसका घर चल सकता है। पैसा बढ़ाओ, नाम ही बदल दो, हमें क्या दिक्कत है। नाथूराम गोडसे कर दो आंगनबाड़ी केंद्र, इंडिया तो बिका हुआ है। महिलाओं के लिए बिल्कुल जीरो है भाई। समय जंतर मंतर में हूँ दिल्ली में और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, देश भर से महिलाएं आई हुई हैं, क्या डिमांड है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई है बहन जी? आप बिहार से। क्यों आई है यहाँ? जी हमारा मानदेय हमको बढ़वाना है, जो हम लोग के लिए बहुत दुखदायी है, जो हमारा मानदेय है उसमें हम लोग का अपने बच्चे का भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। मैं बिहार से हूँ, मैं प्रखंड अध्यक्ष रिंकी कुमारी, मैं अपनी दीदी अपने कुमारी गीता जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? हम लोग को बहुत कम है, 6,000 है, 5,000 से भी बहुत कम है, इसीलिए हम लोग आए हैं। तो केंद्र सरकार देती है या बिहार सरकार? बिहार सरकार दे रही है, बिहार सरकार दे रही है, बिहार सरकार, हम लोग की राज्य सरकार। पक्का पता आपकी तनख्वाह बिहार सरकार देती है? बिहार सरकार मतलब कि जब राज्य सरकार मेरे केंद्र सरकार से ही तो मांग करने आई हूँ। अगली रणनीति की तैयारी, बिहार सरकार के खिलाफ धरना था तो पटना में देती ना बिहार। अब केंद्र से पहले मांगूंगी तब ना हमारी राज्य सरकार हम लोग पर ध्यान देंगी। चलिए तो और भी है, क्या क्या करती है आप? हम आंगनबाड़ी सेविका है। कितनी तनख्वाह मिलती है? हमारी तो तनख्वाह मिलती है अभी 10,000, 4,500 मिलती है केंद्र सरकार से और 5,500 मिलती है राज्य सरकार से। 10,000 मिल रहा दोनों तरफ से प्रस्थान करने का। लेकिन बात यह है कि हमारी केंद्र सरकार द्वारा सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलती है। मेरा उसमें आंगनबाड़ी का कार्य 5-10 तक पर था, अभी हम लोग का बीएलओ का भी कार्य कराया जा रहा है जो कि सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है और हम लोग एक ही विभाग से दो नीतियाँ किया जा रहा है। उसी स्कूल में सरकारी स्कूल है, उस बच्चे को सारे कुछ मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, हर प्रकार के खाना मिल रहा है। हमारे बच्चे उसी स्कूल के हैं तो आंगनबाड़ी में बच्चे उतना उपस्थित नहीं होने पाते हैं, फिर भी दबाव दिया जाता है। हम लोग पूरी तरह से मैनेज करते हैं, मेहनत करते हुए पूरा सेविका अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। तो देखिए पूरे देश की महिलाएं आए हुई हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और समझेंगे जो इनके पॉलिटिकल लीडर हैं कि क्या है आंगनबाड़ी का मसला जो है। लगभग 25 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी हैं देश में और उनके नेताओं से भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी संस्थाएं बन गई हैं, ये बड़ी ताकत बन गई है वोट के लिहाज से हैं। और ये है कि क्या डिमांड है सर? तमाम भारतवर्ष की हमारे राजस्थान, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सब जगह से आज भारतवर्ष की महिला आई हुई है। इनकी प्रमुख मांग है सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक उसमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, जब तक सम्मानजनक मानदेय कम से कम 24,000 हो और सेवानिवृत्ति पर जो है ना 10 लाख रुपए जो है ना इनको बता दिया जाए। और कितने आंगनबाड़ी है पूरे देश में? पूरे देश में 27 लाख जो है, 26 लाख से ज़्यादा हमारी आंगनबाड़ी वर्कर सहायिका काम करती है। सहायिका और सेविका दोनों मिला के? दोनों मिला के 26 लाख है, 26 लाख 13 लाख कार्यकर्ता, 13 लाख जो है हमारे सहायिका है और इनको मानदेय के नाम पर जो है 4,000 से लेकर 9,000 तक का मानदेय मिलता है। जबकि हम कहते हैं केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का 60% हिस्सेदारी है और 40% राजस्थान अपने राज्य सरकारों का हिस्सेदारी है, फिर भी ये न्यूनतम मजदूरी से कम है। तो आज हम बैठक करके निर्णय लिया, सांकेतिक धरना देकर सरकार जो है इन मांगों समय रहते मांगों का पूरा करे, अदरवाइज ये पूरे भारतवर्ष की महिलाएं भारत बंद करेगी, सड़क पर आएगी और बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। राजनीति कर रहे हैं आप बीजेपी के खिलाफ?
बीजेपी के खिलाफ, चूंकि बीजेपी ये आंगनबाड़ी जो है ना 2 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बनाया हुआ था, तो बीजेपी सरकार को पता नहीं क्यों एलर्जी है। हम तो कहते हैं चाहे इनका नाम बदल दो, दीनदयाल उपाध्याय आंगनबाड़ी केंद्र कर दो, कुछ भी ना बनाओ, पैसा बढ़ाओ, नाम ही बदल दो, हमें क्या दिक्कत है। ना तो राम गोड से कर दो ना आंगनबाड़ी केंद्र, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहनों का मान सम्मान। मोदी जी पर भरोसा नहीं है, वो तो महिलाओं के सम्मान के लिए जान देने वाले आदमी हैं। महिलाओं का जो है नाम ही है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। आज महिलाओं के मानदेय के नाम पर आर्थिक शोषण किया जा रहा है, तो हम तो कहते हैं सम्मानजनक मानदेय हो, नहीं होता तो सड़क पे आएगी पूरी। धमकी दे रहे हैं आप लोग चुनाव के समय, धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल धमकी है, पूरे भारतवर्ष की महिला बीजेपी को दिखा देगी कि मातृशक्ति क्या होती है। हमारी बहनों का आक्रोश आपने देखा, का समय आ गया तो आप लोग धरना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, हम बराबर निरंतर पहले से कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये सरकार के खिलाफ जाएगी सारी महिलाएं। महिलाएं जुटे थे आज जंतर मंतर, आज जंतर मंतर हमारे 20,000 से ज्यादा महिलाएं जुटी हुई है। और टीवी अखबार वाला आया, अब अलग अलग लोग आए, बाकी हमें उस पर नहीं है। सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि हमारी बात पूरे भारत में फैल चुकी है सर। ये तो टीवी अखबार क्यों नहीं दिखाता आप लोग? अरे टीवी सर अखबार दिखाएंगे कि आपको पता है मीडिया तो बिका हुआ है। आप चौथा स्तंभ जो है, कोई सर इनकी बहनों के बारे में बोलता है क्या? वो तो मोदी जी के पक्ष में वातावरण बनाता है। इन बहनों की पीड़ा किसी ने उजागर की है? सब ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण है, शहरी है, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आई हुई है। काम क्या क्या करती हैं ये लोग आंगनबाड़ी में, क्या क्या काम है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुभद्रा ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा काम, हमारे से ये पूछ सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं? BLO से लेकर के, पोलियो से लेकर के, जितना भी काम होता है हमें सारे काम दिए जाते हैं, बट हमारे से सिर्फ काम ही करवाया जाता है, बट उस हमारे उस हिसाब का मानदेय नहीं दिया जाता है। तो मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप मोदी जी को ये संदेश देना चाहूँगी कि 2024 से पहले अगर हमें स्थायी, हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनी, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाएगा, तो हम भी इसका जवाब 2024 के इलेक्शन में ज़रूर देंगे। अब क्योंकि अब हमारी भी मजबूरी होती है, एक तरफ से सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें ही पूरा साल बीत जाता है, लेकिन हमारा जो क्या हाल है वो किसी को, वो मोदी जी को भी नहीं दिख रहा है। अरे आरक्षण दे दिया मोदी जी ने महिलाओं को, आरक्षण तो दिया है। अब अगर हम सपोज दैट मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अगर अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, क्या आपको लगता है कि मैं 4,500 से अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, या मैं अपनी बेटी से कोई ट्रेनिंग करवा सकती हूँ? राजनीति कर रही हैं आप लोग बीजेपी के? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, हमारे लिए बीजेपी कांग्रेस सब बराबर है, लेकिन इतना जरूर है जो सरकार अब लाखों के हिसाब से हम महिलाएं हैं, जो सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करेगा हम उनका साथ देंगे, हमने कोई कुछ नहीं लेना, हमने क्या करना। टीवी अखबार वाला तो दिखा नहीं रहा आप लोग की खबर? टीवी अखबार वाले अब यहाँ पे तो इतने सारे आए, अब हमें पता नहीं है कि वो क्या करते हैं। तो हम लोगों जैसा यूट्यूबर घूम रहा है, उनका नाम रख दिया है ना गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया ही है वो। कहाँ से आई है? मैं सावित्री चौधरी, आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भरोसा नहीं है आप लोग? देखिए भरोसा क्या, वादे करके मुकर जाते हैं, है ना। हमारे यूपी में भी हमारे बाबा जी ने भी वादा किया था। क्या वादा किया था? वादा किया था 1500 रुपए बढ़ाए थे, वो आज तक नहीं दिए। और देखिए यहाँ पे अभी मैं तो प्रधानमंत्री जी को यही कहना चाहूंगी कि ये महिलाएं हैं, इनके लिए आप जरा सोचिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए, वरना आज से ही आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी और नतीजा आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिल जाएगा। राम मंदिर बन गया। अरे राम मंदिर से क्या होगा, अगर हम कमाए ना, कुछ ना करें, घर में बैठे घंटी बजाते रहे, पेट भर जाएगा क्या हमारा राम मंदिर से? राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया, आप लोग तनख्वाह के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राम मंदिर बनवाया है वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके राम मंदिर के साथ साथ मोदी जी को ये भी सोचना होगा कि जो हमारी बहनें हैं
ये कुपोषित होती जा रही है। अरे 370 हट गया, 370 से क्या हमने क्या करना, 370 हटने से हमने प्लॉट खरीदिए जाके। जब मोदी जी को इतना ही पता नहीं है कि साढ़े चार जब मोदी जी को इतना ही पता नहीं है कि 4,500 से आज की डेट में किसका घर चल सकता है, वो हम आंगनवाड़ी बहने अपना घर चला रही है, वो हमें पता है। देश के लिए परिवार छोड़ दिया, छोड़ा होगा, इसीलिए तो मोदी जी को शायद पता नहीं होगा कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है या घर का चूल्हा कैसे जलता है। मतलब आप लोग की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो वोट नहीं दीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी की शादी हुई होती तो शायद वो हमारी समस्याओं को जरूर समझते, उनको पता होता कि एक घर की जो महिला है वो अपना घर का चूल्हा अपने घर के चूल्हे में कैसे अपने खर्चा पूरा करती है। इसलिए मेरा तो मेरी समझ से तो यही है कि मोदी जी ठीक है, अच्छी राजनीति करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बिल्कुल जीरो है। क्या क्या अगर आपने बोला 370 हटा दिया तो 370 हटा के फायदा पब्लिक को, आम जनता को क्या हुआ? मैं आपको सवाल पूछती हूँ, आम जनता को फायदा क्या हुआ? प्लॉट खरीदिए, प्लॉट कर खरीद कर क्या प्लॉट, तो हम चांद पर भी जाएंगे प्लॉट लेने के लिए। 370 हटाए नहीं हटाए, आम जनता को फायदा होना चाहिए, गरीब जनता को फायदा होना चाहिए। हमें ये 370 वाली ये पॉलिटिक्स वाली बातें हमें नहीं पसंद, हमें तो हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को जो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है माँ के गर्भ में बच्चा। 25 लाख आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, कहाँ से आई बहन जी? मैं बिहार से आई हूँ, जिला मधुबनी, ना मेरा नाम अंजनी कुमारी है, मैं जिला चलते, हाँ। क्या डिमांड है सरकार से? हम यही उम्मीद लेके आए हैं बिहार से कि हमारे माननीय मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और बहुत अच्छे एक देश के सब लिए बहुहित के काम किए हैं, तो हम इस अपेक्षा के साथ यहाँ बिहार से चल के दिल्ली आए हैं कि हमारी नीतीश कुमार से न मांगिए, हमारी 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 बहने के सारी आंगनबाड़ी बहने को यही मांग है कि सरकारी कर्मचारी के दर्जा दे, तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारी नीतीश जी ना करेंगे, नीतीश जी कैसे करेंगे, हमारी सरकारी कर्मचारी के दर्जा केवल दे सकते हैं तो केंद्र सरकार दे सकते हैं, तो इसलिए हम केंद्र सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमारी अभी हम विनती कर रहे हैं कि हमारी सभी बहनों का मांग पूरा कर दे, सरकारी कर्मचारी के दर्जा दे दे, और जब तक सरकारी कर्मचारी के दर्जा नहीं देते हैं तब तक 25 से 26 हजार सेविका के 18,000 सहायिका का वेतन दे। अभी कितना मिल रहा है? अभी 5950 मिल रहा है। अगर सरकार को, मैं इस जंतर मंतर के धरती पर चेतावनी देके दे जा रहे हैं कि अगर ये हमारी बहना का अच्छा हम लोग का दर्द नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी उनको दर्द में डाल देंगे। कैसे कैसे? सारी भारत की सेविका, पूरे भारत की सेविका, अपने पूरे परिवार को वोट नहीं देने देंगे, अपने गांव समाज को वोट नहीं देंगे। किसको? बीजेपी को नहीं देने देंगे वोट सरकार को। नहीं, मंदिर बन गया, मंदिर से हमको मंदिर बाजिन से परिवार नहीं चलता। अभी 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 जो है हम लोग अपना घर में बाल बच्चा छोड़ के चिड़चिड़ाती धूप में हम लोग यहाँ आए हैं, ये चिड़चिड़ाती धूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग अपेक्षा लेकर संख्या में आए हैं, हम लोग जो है पूरे भारत के कोने कोने से हम सब सभी सेविका आए हैं। कितनी आबादी है आपकी? हमारी जो बहना जो है 24 लाख के आबादी में हम लोग हैं। कोई टीवी अखबार वाला नहीं दिख रहा है? टीवी अखबार वाला कैसे दिखेगा? टीवी अखबार वाला को मोदी सरकार से डर लगता है कि हम नहीं लग देंगे तो हमको कहे डर लगेगा, हमको कहे डर लगा, हम लोग बहुत उत्साह से अपने क्या नाम है इनको ही बात हम लोग बहुत उत्साह से हम लोग वोट दिए हैं।
एक ही पंचायत एक ही संघ का इन्हीं का बोलने दी। मेरा नाम है रीता देवी। आप लोग मोदी से बदला लेने की बात? नहीं बदला नहीं, हम लोग उम्मीद लेके आए हैं। बढ़िया सरकार चल रही है। हाँ बढ़िया सरकार चल रही है, इसीलिए इस सरकार में अगर हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला तो हम लोग को कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले नौकरी ले लिए 6,000 पर, अब कह रहे 26 करो, ये तो बहुत गलत बात। नहीं नहीं नौकरी दी, उसी समय कहते कि 26 पर नौकरी दो। अभी तोला सेवा कोई काम नहीं करता है तो उसको 25,000 मानदेय हो गया। हम लोग घरे घरे जाते हैं, घरे घरे काम करते हैं। 6,000 पर ज्वाइन कर लिए, अब दबाव बना रहे। महंगाई बढ़ा है ना, महंगाई बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है तो मजबूरी है, महंगाई बढ़ा है तो मजबूरी है। कहाँ महंगाई बढ़ा है? नहीं नहीं बढ़ा है, 20 रुपया से 50 रुपये दूध हो गया, 200 रुपया दाम घट गया। नहीं हर चीज का सिलेंडर से काम नहीं है। तो चलिए ये घटाने के लिए हम मर्जी सरकार से, अभी हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी के दर्जा दे दीजिए, अगर हमारी दर्द हमारी बहना को दर्द समझे, मेरी दर्द समझे। तो कैसे, न टीवी है न अखबार है तो प्रधानमंत्री को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा, जब मोहर लगेगा तब पता चलेगा। बहरा नहीं न है, सारा बात सुन रहे हैं, उनको सारा न्यूज जा रहा है। बहरा नहीं न है, वोट लेने से पहले सेंटरे सेंटरे दूठू सिलेंडर दे दिए, चूल्हा दे दिए, क्या हमारा छप्पा मारी हो जाता है कि केंद्र सरकार से मांग के लाइए। बार बार नीतीश सरकार कहते हैं कि केंद्र सरकार से मांग के लाइए, दे रहा नीतीश कुमार, तब हम लोग देंगे। धोखा तो महिला का तो धोखा देना पुरुषों के जन्मजात का काम है। ये बात से सहमत हूँ, जन्मजात का काम। अपना महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनेगा भविष्य में, महिला प्रधानमंत्री बनेगा। अगर हमारे मोदी जी नहीं किए, हम लोग पूरे भारत की बहना का मांग पूरा, तो अगला 24 में हमारी बहना ही बनेगा। मोदी जी नहीं, नहीं आंगनबाड़ी सेविका बहना बनेगा प्रधानमंत्री, आंगनबाड़ी सेविका बहना। चलिए तो ये महिलाएं हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ इनका रिप्रेजेंटेशन संसद में भी जरूरी है। बैकवर्ड दलित पिछड़े आदिवासी समाज की महिलाएं काफ़ी संख्या में, अच्छा लग रहा है जब ये बोल रही हैं, और इन्होंने जो बात कही है वो सच है कि इस देश के पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार मार रखे हैं। SC ST OBC की महिलाओं तो और अधिक उनके अधिकार छीने गए हैं। ये आंगनबाड़ी महिलाएँ हैं, 25 लाख करीब देश भर में इनकी आबादी है, और ये लोग एकजुट हैं, इनका यूनियन है। दूसरा बड़ी रैली है इनकी जंतर मंतर पर, अगर सरकार इनके मामले पर विचार नहीं करती है तो मैं यकीन जब बता रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से सरकार को बहुत नुकसान होगा, वोट के लिहाज से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये महिलाएं वोट बिगाड़ना भी जानती हैं। तो ये लोग बहुत संख्या में आई हैं, लेकिन सोचिए कि टीवी अखबार के लिए लोग खबर नहीं है, टीवी अखबार से ये लोग गायब हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है, जो जो इस देश में हाशिए पर है, जो सबसे पीछे छूट गया है, उसकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए, और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी का सवाल है। आंगनबाड़ी के सहारे इस देश के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस देश में तमाम उनको काम हो रहा है, उनके काम करवाए जा रहे हैं, और टीवी अखबार के पास फुर्सत नहीं है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें भी आप तक पहुँचाई जाए। आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस तरह के खबरों को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इनकी बात सरकार तक जाए, और सरकार चुनाव के डर से ही अपने इनके मांगों पर विचार करे। ये लोग कह रहे हैं कि इनका सम्मानजनक सैलरी हो और इनकी नौकरी को परमानेंट किया जाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।